हेलो स्टूडेंट्स ग्रोथ हार्मोन की फिजियोलॉजी एंड फंक्शंस पढ़ने के बाद अब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर सोमैटोस्टैटिन हम सोमैटोस्टैटिन की फिजियोलॉजी और फंक्शंस डिस्कस करेंगे सोमैटोस्टैटिन एक नेचुरल पेप्टाइड हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन के साथ साथ सोमैटोस्टैटिन के एनोलॉग्स नेमली uh, ऑक्ट्रियोटाइड और पेगविजोमेंट की फार्माकोलॉजी भी हम स्टडी करेंगे ये ड्रग्स बिल्कुल सोमैटोस्टैटिन जैसी हैं सोमैटोस्टैटिन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है जबकि ऑक्ट्रियोटाइड और पेगविजोमेंट विजोमेंट करी जाती हैं सोमैटोस्टैटिन एक इनहिबिटरी हॉर्मोन है ये सिक्रीशंस को कम करता है सोमैटोस्टाटन को ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट जी भी कहते हैं जी एच आर आई एच ग्रोथ हॉर्मोन रिलीज इन्हीबिटिंग हारमोन या फिर सोमैटोस्टाटन हाइपोथेलामस हाइपोथेलामस से प्रोड्यूस और रिलीज होता है सो लुक एट दिस फिगर ये हाइपोथेलामस है हाइपोथेलामस का एक जूम्ड व्यू है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जी एच आर एच और जी एच आर आई एच दोनों हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टीमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं नाउ ग्रोथ हार्मोन सेल्स में प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाता है लिपिड्स का टूटना दैट इज़ लाइपोलाइसिस भी बढ़ जाता है और लिपिड्स uh, के टूटने से फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजीनोलाइसिस के प्रोसेस को स्टीमुलेट करता है जिससे ग्लूकोस ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोस बनता है बॉडी में और ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल है वो भी बढ़ जाते हैं और ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोन्स स्केलेटल मसल्स और बॉडी ऑर्गन्स में ग्रोथ इंड्यूस करती हैं तो ये सारे फंक्शंस हैं ग्रोथ हार्मोन के जैसा कि हम सब जानते हैं हाइपोथैलेमस ब्रेन का कंट्रोल सेंटर है ये बॉडी में होम्योस्टेस मतलब स्टेबिलिटी रेगुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ के लिए असेंशियल है पर बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस और रिलीज होने से नुकसान होते हैं ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने से बच्चों में जाइजेंटिज़म हो सकता है बच्चों की लंबाई सात से आठ फुट तक बढ़ सकती है और दूसरी ओर एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होने से एक्रोमेगाले जैसी डिसीज़ हो सकती है एक्रोमेगाले में बोन्स थिक हो जाती हैं बोन्स की चौड़ाई और मोटाई बढ़ जाती है जिसकी वजह से चेहरा बहुत बड़ा दिखाई देता है बोंस की मोटाई बढ़ने से हाथ पैर भी बड़े बड़े लगने लगते हैं ना जब भी ग्रोथ हार्मोन के ब्लड में ब्लड के लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाएं, तो उस वक्त हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीज इन्ेबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम करता है जिससे कि ग्रोथ हार्मोन के बड़े हुए ब्लड लेवल्स फिर से नॉर्मलाइज हो जाते हैं हाइपोथैलेमस के अलावा सोमैटोस्टैटिन गैस्ट्रो इंटेस्टल अट्रैक्ट और पैनक्रियाटिक आइलेट्स के डेल्टा सेल्स से भी प्रोड्यूस होता है स्टोमैटोस्टैटिन का मेन फंक्शन एंटी पानक्रियाज और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस को कम करना है सोमैटोस्टा सोमैटोस्टाटन ऑलमोस्ट सारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस का रिलीज कम कर देता है अब समझते हैं सोमैटोस्टाटन का मैकेान ऑफ एक्शन यूज एंड साइड इफेक्ट्स नाउ जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सोमैटोस्टाटन एंटी रिपीटरी पैनक्रियाज और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस को कम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से कई सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं सोमैटोस्टाटिन ग्रोथ हॉर्मोन प्रोलैक्टिन और टी एस एच दैट इज थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन का सिक्रीशन कम करता है दूसरा आप देखते हैं पैनक्रियाज सोमैटोस्टाटिन पैनक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकोग का सिक्रीशन कम करता है ये दोनों हॉर्मोन्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट करते हैं इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन ऑलमोस्ट सारे के सारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस को कम करता है जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोलोनिक फ्लूइड, वो फ्लूइड्स जो कि कोलोन में प्रोड्यूस होते हैं बाइल कॉलिसन वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड सिक्रीटिन मोटेलिन इन सारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस को सोमैटोस्टैटिन कम करता है नाउ मोटेलिन सिक्रीशन के कम होने की वजह से सोमैटोस्टैटिन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कम कर सकता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है नाउ गैस्ट्रिक एमटिंग मतलब मूवमेंट ऑफ द फूड फ्राम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है इसके अलावा सोमैटोस्टाटिन उन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है वो सारी ब्लड वेसल्स सकड़ जाती हैं जो कि गैस्ट्रो इंटे इंटेस्टनल ट्रैक्ट में ब्लड सप्लाई करती हैं ब्लड वेसल्स के सकड़ने से गैस्ट्रो इंटेस्टनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है तो सोमैटोस्टैटिन इन सारी सिक्रीशंस को कम करता है और ये है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन अब समझते हैं सोमैटोस्टैटिन के यूजर्स पहला है ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमिगाले। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं मिडिल एज्ड मिडिल एज्ड एडल्ट्स में वेस्को में अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए तो एक्रोमिगाले बीमारी हो सकती है सोमैटोस्टाटन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम करता है और एक्रोमिगाली में इसका यूज़ किया जाता किया जा सकता है अब समझने और याद रखने वाली बात यह है कि एक्रोमिगाले और दूसरे डिसीज़ज में भी सोमैटोस्टैटिन का यूज़ बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि सोमैटोस्टैटिन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम है सोमेटोस्टाटन की हाफ लाइफ टू टू थ्री मिनट्स है जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है दूसरा सोमैटोस्टाटन का ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को रोकने में कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन रोकने के साथ साथ सोमैटोस्टैटिन और भी बहुत सारी सिक्रीशंस को रोकता है इसलिए सोमैटोस्टैटिन को एक्रोमिगाले की ट्रीटमेंट में कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता सोमैटोस्टैटिन एनालॉग ऑक्ट्रियोटाइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमिगाले सोमेटोस्टाटिन कैन ऑल्सो बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ब्लीडिंग फ्राम ईसोफेजियल वेरस ई ईसोफेजियल वेरसेस में लीवर में जो वेन्स हैं उनसे ब्लीडिंग होती है इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टनल अल्स और गैस्ट्राइटिस की वजह से जो ब्लीडिंग होती है उसमें भी सोमैटोस्टैटिन यूज़ किया जा सकता है क्योंकि सोमैटोस्टैटिन गैस्ट्रो इंटेस्टनल ब्लड फ्लो को कम करता है सोमैटोस्टाटिन गैस्ट्रो इंटेस्टनल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है मतलब जो गैस्ट्रो uh, इंटेस्टनल की ब्लड वेसल्स हैं वो सोमैटोस्टाटिन की वजह से सुखड़ जाती हैं और uh, जो गैस्ट्रो इंटेस्ट गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक्ट है उसमें ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी कम होती है सोमैटोस्टैटन uh, ऑलमोस्ट सारी गैस्ट्रो इंटेस्टनल सिक्रीशंस को कम करता है इसलिए सोमैटोस्टास्टैटन इज बेनिफिशियल इन पैनक्रियाटिक बिलियरी और इंटेस्टाइनल फिस्टूला नाउ पैनक्रियाटिक सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस को भी सोमैटोस्टैटन कम करता है सोमैटोस्टैटिन ग्लूकागोन और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम करता है जिससे कि ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं इसलिए सोमैटोस्टैटिन को डायबिटिक कीटो एसडोस में भी एज एन एजुवेंट दूसरे ड्रग्स के साथ यूज़ किया जा सकता है सोमैटोस्टैटिन को सिक्रीटरी डायरियाज की ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं डायरियाज एसोसिएटेड विद कार्सिनोइड सिंड्रोम कार्सिनोइड सिंड्रोम में सिरोटन का सिक्रीशन बढ़ जाता है अब देखते हैं साइड इफेक्ट ऑफ जोमैटो जेनरल साइड इफेक्ट हैं फटीक मतलब थकान वीकनेस कमजोरी एंड डिप्रेस्ड मूड गैस्ट्रो इंटेस्टनल साइड इफेक्ट इंक्लूड स्टियाटोरिया दिस इज कैरेक्टराइज बाई एक्सेस फैट इन दूल्स सोमैटोस्टैटन बाइल का सिक्रीशन कम करता है जिसकी वजह से फैट्स जो हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाते और जो फैट्स हैं जो लिपिड्स हैं वो स्टूल में दिखाई देते हैं जिसे स्टियाटोरिया कहते हैं दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं डायरिया हाइपोक्लोराइड्रिया मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी देन डिस्पेप्सिया दैट इज इन डाइजेशन नॉजिया एंड वॉमिटिंग तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं सोमैटो स्टैटिन के यूज़ की वजह से ना जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं सोमैटोस्टैटिन की हाफ लाइफ टू टू थ्री मिनट्स है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही शॉर्ट है इस वजह से क्लिनिकली सोमैटोस्टाटिन के एनोलॉग ऑक्ट्रियोटाइट का यूज़ किया जाता है एक््रोमिगाली में भी सोमैटोस्टैटिन को यूज ना करके ऑक्ट्रियोट्राइट ऑक्ट्रियोटाइट ट्रीटमेंट को प्रिफर किया जाता है लिमिटेशंस ऑफ सोमैटोस्टैटिन ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सोमैटोस्टैटिन uh, की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत ही शॉर्ट है सोमैटोस्टैटिन uh, की हाफ लाइफ टू टू थ्री मिनट्स है और सोमैटोस्टैटिन को एक्रोमिगाले की ट्रीटमेंट के लिए भी प्रिफर नहीं किया जाता अब देखते हैं सिंथेटिक एनोलॉग्स ऑफ सोमैटोस्टैटिन ऑक्ट्रियोटाइट एंड लेंड्रियोटाइट सोमैटोस्टाटिन के सिंथेटिक एनालॉग्स हैं इसके अलावा पेगविजोमेंट ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है पेगविजोमेंट ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन अपने एक्शंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ग्रोथ इंड्यूस नहीं कर पाते ऑक्ट्रियोटाइट को क्लिनिकली यूज़ uh, के लिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ऑक्ट्रीटाइड की जो हाफ लाइफ है वो सोमैटोस्टैटन से कहीं ज़्यादा लंबी है हाफ लाइफ ऑफ ऑक्ट्रियोटाइड इज अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी मिनट्स इसके अलावा सोमैटोस्टाटन के कंपैरिजन में ऑक्ट्रियोटाइड ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करने करने में फोर्टी टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है इसलिए एक्रोमेगाली की ट्रीटमेंट के लिए ऑक्ट्रियोटाइट को प्रेफर किया जाता है अब देख लेते हैं ऑक्ट्रियोटाइट के यूज क्या हैं इंडिकेशंस क्या हैं ऑक्ट्रियोटाइड इज प्रेफर्ड ओवर सोमैटोस्टैटिन फॉर एक्रोमेगाले इसके अलावा ऑक्ट्रियोटाइट को यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिक्रीटरी डायरियाज एसोसिएटेड विद कार्सेनॉइड एड्स कैंसर कीमोथेरेपी और डायबिटीज़ ऑक्ट्रियोटाइट इज़ ऑल्सो प्रिफर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ईसोफेजियल वेरिसियल ब्लीडिंग अब देख लेते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्ट्रियोटाइट एडवर्स इफेक्ट्स आर एब्डोमिनल पेन नॉजिया स्टियाटोरिया डायरिया एंड फॉर्मेशन ऑफ गोल स्टोन्स नाउ अगर पिट्यूटरी एडिनोमास मतलब बेनाइन पिट्यूटरी ट्यूमर्स की वजह से ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी वजह से एक्रोमिगाली हो जाए तो उस कंडीशन में पेग विजोमेंट को यूज़ किया जाता है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ सोमैटोस्टैटिन तो ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है ऑन सोमैटोस्टैटिन एंड इट्स एनालॉग फॉर क्लिनिकल यूज ऑफ सोमैटोस्टैटिन और इट्स एनालॉग कंसल्ट योर फिजिशियन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो